हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? तो आज मैं फाइनली जा रही हूँ एक न्यू हेयर कट के लिए। कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँगी, बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। कोरोना जब था तब से अब तक मैं सिर्फ अपने घर पर ही हेयर कट कर रही थी, पर अब मैं फाइनली पार्लर जाने वाली हूँ और मुझे डर है कि मेरा लेंथ छोटा ना हो जाए। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मेरा हेयर का लेंथ छोटा हो जाए, तो मैंने अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया। वहीं पे जाकर डिसाइड करूँगी मैं कौन सा हेयर कट करूँ। तो उसके लिए मैं साथ में मेरे मम्मी और छोटी बहन को लेके जा रही हूँ। पता नहीं क्यों हेयर कट के लिए भी मुझे डर लग रहा है, तो चलो चलते हैं वहीं पे मिलेंगे। सीरियसली मेरे हेयर के लेंथ को लेके ना बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि मुझे लेंथ कम नहीं होना चाहिए, और मुझे पता था कि हेयर कट में लेंथ कम होगा। तो उसने स्टार्ट किया, उसने बोला कि नहीं लेंथ मैं छोटा नहीं करूँगा, फिर भी मैंने रिक्स लिया। चलेगा तो मेरा हेयर कट स्टार्ट हो गया, और वहाँ पे ना वीडियो शूट करने के लिए उसने मना कर दिया था वो पार्लर वाली ने। स्टिल मैंने कैसे कैसे शूट किया, छोटा छोटा क्लिप्स लेके ऐड किया इसमें, आप देख सकते हो। हेयर कट तो मैंने स्टेप कट नहीं लेयर कट करवाया, 400 रुपये उसने बोला था विदाउट हेयर वॉश। मैंने घर से हेयर वॉश करके गई थी, लिटरली मुझे ज़्यादा लगा, पर एंड रिजल्ट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो अब मैं आ चुकी हूँ पार्लर से, वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा शूट करने नहीं दिया और मैंने अभी चेंज वेंज कर लिया। मुझे हेयर कट बहुत ज़्यादा पसंद आया, लिटरली मैं बहुत टाइम बाद की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये कट ना मुझे मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया था। लुक मम्मी दा, मेरी मम्मी ने बोला कि लेयर कट कर, कट करवाना तो ऐसा कट करवा कि मतलब लगे कि कट करवाया कर। ठीक है, तो मम्मी का ही सजेशन लेके मैंने ये हेयर कट किया, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरा वीडियो पूरा देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।